हेलो गाइस, इस वीडियो में हम असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर पोस्ट के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली कई लोगों ने मुझसे सोशल मीडिया पर क्वेश्चन किए कि इसका जॉब प्रोफाइल कैसा है, ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ क्या हैं, SAS के बारे में आप कुछ बता सकते हैं क्या। तो मेरे लिए इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सो मैंने सोचा लेट्स मेक ए वीडियो एंड मैं इस वीडियो में जितना कुछ हो जाएगा उतना कवर करने की कोशिश करूँगी और आगे भी वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन। सो आई एम एक्चुअली करंटली वर्किंग एज एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड आई गॉट दिस जॉब बाय SSC CGL 2016। फिर उसके बाद मुझे 17 में MEASO भी मिला, बट मैंने उसको चूज़ ना करके अपना यही जॉब कंटिन्यू करना सोचा। इस पर भी कई क्वेश्चन उठते हैं कि आपने MEA क्यों चूज़ नहीं किया, कई लोगों को MEA ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू EAO, फॉरेन जाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है एंड ऑल, बट दैट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग, इट वॉज माई प्रायोरिटीज़। सो उसके बारे में मैं बात करूँगी अगली वीडियो में, बट अभी हम जस्ट फोकस करते हैं EAO पोस्ट के बारे में। इसमें मैं तीन चीज़ें अभी फ़िलहाल कवर करने की कोशिश करूँगी, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सो वन थिंग इज़ ट्रांसफ़र, सेकेंड थिंग इज़ वर्क प्रोफाइल एंड द थर्ड थिंग इज़ SAS एग्ज़ाम। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्क प्रोफाइल से। ओके, सो होता क्या है, जब हम असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की तरह ज्वाइन करते हैं, हमें गजेटेड पोस्ट मिलती है, हमको काम करना एज ए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ही काम करना शुरू करना पड़ता है। हम 2 साल के लिए प्रोबेशन में रहते हैं और काम क्या रहता है, काम 2 टाइप का रहता है, एक होता है फील्ड का काम, एक होता है अपना हेडक्वार्टर का काम। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चूज़ करते हैं। मैं आपको बताती हूँ फील्ड में क्या काम होता है, हेडक्वार्टर पे क्या काम होता है। फील्ड में जाते हैं लोग तो एक ऑडिट प्लान बनता है, टूर प्रोग्राम टाइप, जिसमें एक फील्ड पार्टी होती है, एक सीनियर ऑडिट ऑफिसर होता है, एक EAO या 2 EAO और एक ऑडिटर, ऐसा कुछ टीम का स्ट्रक्चर होता है, 3 या 4 मेंबर की टीम होती है। एक यूनिट का ऑडिट प्रोवाइड किया जाता है, जो ऑडिट तो उसकी ऑडिट करीब 5 या 10 दिन में करनी होती है। तो उसमें जाने के फिर उसके बाद लोग रिपोर्ट सबमिट करते हैं हेडक्वार्टर आके, और फिर उसके बाद दूसरा टूर प्रोग्राम बना दिया जाता है। तो इस तरीके से उनका लाइफ चलता है। तो कुछ लोगों को वो चीज़ पसंद होती है, क्योंकि मेन हमारा काम ऑडिट करने का है, इंटरेस्टिंग होता है, सीखने को मिलता है, नए नए रूल्स रेगुलेशंस पढ़ने पड़ते हैं, डिफरेंट इंसिडेंट हमारे सामने आते हैं, सॉल्व करना है, देखना है, तो काम इंटरेस्टिंग लगता है। एंड बट कुछ लोगों को पसंद नहीं होता कि एक स्टेबल लाइफ नहीं मिल पा रही है, ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, बाहर का खाना खाना पड़ेगा, एक टीम मेंबर के साथ कोहरेंस होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं है तो आपको काम में मन नहीं लगेगा, बिकॉज़ यू आर ओनली 2 to 3 people हु आर वर्किंग ऑल टुगेदर 7 to 8 days। सो दैट इज़ द थिंग विद द फील्ड वर्क। हेडक्वार्टर वर्क में आपको 10 से 5 या 10 से 6 का काम रहता है। उसके बाद आपको काम थोड़ा यही है, फाइल वर्क रहता है, जो रिपोर्ट सबमिट हुई हैं उनका देखना रहता है, वेदर दोज पैराज आर गुड और नॉट, और उसके अलावा जो कंप्लायंस विद द CAG लेटर्स एंड अदर लेटर्स, ये सब काम उधर रहता है। इसके बाद आपका आता है ट्रांसफ़र पॉलिसीज़। ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ में क्या है कि अगर आपको है कि आपको अभी जो स्टेट मिल जाए, जहाँ भी मिल जाए और वहीं रहना है, तो आपके लिए ये जॉब ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, पहले मैं एक और बात करना चाहूँगी, इसमें 3-4 type की ऑडिट्स होती हैं, लाइक यू कैन गेट सिविल ऑडिट, कमर्शियल ऑडिट, PNT ऑडिट, रेलवे ऑडिट, डिफेंस ऑडिट, एनीथिंग यू कैन गेट। ओके, सो
एक कमर्शियल ऑडिट थोड़ा डिफरेंट होता है बिकॉज़ उसमें ट्रांसफ़र होते हैं 3-4 साल बाद, एंड उसमें जनरली लोग फील्ड का ही काम करते हैं और 3-4 साल बाद उसमें ट्रांसफ़र होते हैं। तो अगर आपको कहीं भी मिला है तो आप इन फ्यूचर अपने नेटिव प्लेस पे भी जा सकते हैं, होम टाउन प्लेस जा सकते हैं। बट सिविल ऑडिट और अदर ऑडिट्स में क्या है, अगर आपको जहाँ भी प्लेस एक बार जो जगह मिल गई वहाँ पर ही आपको रहना है। बट हाँ, देर आर टू वेज बाई विच यू कैन गेट बैक टू योर होम टाउन। वो है कि एक है ऑप्शन है म्यूचुअल ट्रांसफ़र का। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में क्या है कि आपको एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं उस ऑफिस में काम करने वाला, जो कि डबल ए हुआ है एंड सेम ऑडिट में है। लाइक इफ़ यू आर इन सिविल ऑडिट देन दैट पर्सन शुड ऑल्सो बी इन द सिविल ऑडिट, देन ओनली यू कैन टेक ए म्यूचुअल ट्रांसफ़र। देर आर सम मोर कंडीशंस टू, लाइक देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन कैटेगरी वाई ट्रांसफ़र टू एंड बट दे बट इन दोज आर फ्लैक्सीबल कंडीशन, बट दिस इज़ द एक्चुअली मैंडेटरी कंडीशन। ओके, बट म्यूचुअल ट्रांसफ़र का प्रोसेस चलता है, फाइल चलती है हेडक्वार्टर तक, दिल्ली ऑफिस तक जाती है, फिर उसके बाद होता है। तो करीब आप मान के चलिए 10 से 12 महीने लग जाते हैं उसके बाद। बट म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ड्रॉबैक है उसमें आपकी सीनियरिटी लूज़ होती है। अगर आप 4 साल से काम कर रहे हैं तो, बट आप अगर दूसरे नए ऑफिस में जाएंगे वहाँ आप जीरो से स्टार्ट करेंगे। ओके, दूसरा मेथड है, बट वो लाइफ टाइम रहेगा आपका ट्रांसफ़र। एंड म्यूचुअल ट्रांसफ़र लाइफ में एक बार ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आपने पहले अहमदाबाद से मुंबई लिया, फिर मुंबई से दिल्ली ले लिया, फिर दिल्ली से और कहीं चले गए। नहीं, एक बार आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वही लास्ट होगा और वो परमानेंट, फिर आप वहीं पोस्ट पर हो जाएंगे। एक दूसरा तरीका है डेपुटेशन। डेपुटेशन 3 साल के लिए होता है, पर डेपुटेशन का ये है कि जहाँ पे वैकेंसीज़ हैं वहीं पे हो सकता है। जैसे आप चाहें कि जयपुर चले जाएँ तो जयपुर में होना डेपुटेशन बहुत मुश्किल है बिकॉज़ वहाँ पे वैकेंसीज़ जनरली नहीं होती हैं। बट दिल्ली में होना डेपुटेशन थोड़ा आसान है बिकॉज़ वहाँ पर लोग वैकेंसीज़ निकलती रहती हैं, जगह होती रहती है, और वहाँ पर जनरली डेपुटेशन एक्सटेंड भी हो जाता है 3 साल के बाद अगर हम जाना अगर हम करवा आना चाहे तो। उसके बाद और क्या है कि डेपुटेशन के बारे में हमने बात कर ली है। हाँ, इसमें डेपुटेशन में एक बात है, अगर आपका प्रमोशन होता है तो आपको वापस से अपने होम स्टेट जहाँ पे आपकी फर्स्ट ड्यूटी लगी थी वहीं पे आपको वापस आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप अहमदाबाद में पोस्टेड थे, आपने दिल्ली में डेपुटेशन लिया बट आपका प्रमोशन हो जाता है सीनियर एओ में, तो आपको वापस से अहमदाबाद आना पड़ेगा एक बार ज्वाइन करने के लिए, बट आप फिर से डेपुटेशन ले सकते हैं। अब तीसरी बात आती है SAS एग्ज़ाम की। तो SAS एग्ज़ाम में क्या है कि 9 पेपर होते हैं, ग्रुप वन ग्रुप टू, ग्रुप वन में 5 पेपर होते हैं, ग्रुप टू में 4 पेपर होते हैं। तो लोगों को डर लगता है, पता नहीं हम लोग इसको क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा एंड ऑल। सो इसमें मुझे लगता है कि जनरली लोग क्लियर कर लेते हैं, कभी किसी को ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है बिकॉज आपने अगर SSC निकाली है तो ये भी निकाल लेते हैं। शुरू के 5 पेपर तो काफ़ी आसान होते हैं, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, लीव रूल्स और ये सारे रूल्स होते हैं, इनकी बुक होती है एक जो कि आप पढ़ लेंगे तो आप निकाल लेंगे। और बाकी के जो 4 पेपर हैं बाद में वो थोड़ा टफ़ हैं, अकाउंटेंसी वगैरह होती है, बट अगर आप उसके लिए भी बुक्स हैं, अगर आप वो थोड़ा पढ़ लेते हैं 1 या 2 वीक पहले तो आप निकाल सकते हैं। और आपकी सीनियरिटी फिर इसके SAS क्लियर्स करने के बाद से ही डिसाइड होगी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जितना जल्दी आप SAS निकाल लेंगे आप उतना ही फ़ायदे में रहेंगे। उसके अलावा क्या चीज़ होती है, उसके अलावा रीजनल लैंग्वेज एक एग्ज़ाम होता है। अगर आप नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में पोस्टेड हैं तो आपको वहाँ का रीजनल एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। वो थोड़ा ईजी होता है, वो लोग जनरली कर लेते हैं, बट अगर आप साउथ इंडिया वगैरह में पोस्टेड हैं और नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट जनरली लोग कर लेते हैं। तो अभी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के बारे में इन जनरल यही है। अगर आपके पास और कोई क्वेरी है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करने का, एक और वीडियो बनाने का। कुछ लोगों के क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे पास, मैं एक वीडियो बनाती हूँ क्वेश्चंस को लेके और उनका आंसर देने का ट्राई करूँगी। और अगर आपको लगता है इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हुई है बिकॉज़ आई एम नॉट प्रोफेशनल वीडियो मेकर, सो मैं जस्ट
सोचा कि एक बना लेना चाहिए जिससे लोगों को हेल्प करेगा, CPT एग्ज़ाम आने वाला है, लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस बननी होगी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर कोई मुझसे गलती हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट या दिस वॉज दैट वॉज ऑल।